Legends Win a Machine. हेलो एंड वेलकम टू मेट मोटर हिंदी, मैं हूं आफ्ताब। RX 100 90 के दशक की एक ऐसी बाइक थी जो अपने पीक पावर एंड परफॉर्मेंस के वजह से लाखों इंडियन युवाओं के दिलों पर राज करती थी। भले ही ये बाइक हमारे बीच अब नहीं रही, लेकिन आज भी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी लुक एंड अपनी पीक पावर की वजह से काफ़ी इंडियन कस्टमर के दिलों में अपना जगह बना के बैठी है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि RX 100 1985 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी और 1996 में इंडियन मार्केट में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, क्योंकि ये गाड़ी 100cc एंड 2-स्ट्रोक इंजन के साथ आती थी जो उस टाइम पे इंडियन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती थी। दोस्तों, 28 साल के बाद इस गाड़ी के बारे में ऑफिशियल गुड न्यूज मिला है यमहा चेयरमैन की तरफ से। यमहा इंडिया चेयरमैन इसिन सिहाना ने इस बात को ऑफिशियली रिवील किया है कि अब RX 100 इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च की जाएगी। दोस्तों, इस न्यूज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके पढ़ सकते हैं। यमहा चेयरमैन के अकॉर्डिंग RX 100 का नेम अभी किसी भी कंपनी ने अपनी गाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं किया है, इस गाड़ी को 28 साल बंद होने के बाद भी। दोस्तों, ये न्यूज़ सुन करके आपको कैसा लगा कि अब आपकी फेवरेट बाइक, आपकी डिज़ायर बाइक इंडियन मार्केट में अब बहुत जल्दी लॉन्च होगी? दोस्तों, आप अगर एक RX 100 के लवर हैं तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपको ये न्यूज़ कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंडियन टू व्हीलर्स मार्केट में अब 2-स्ट्रोक इंजन को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, इसलिए ये गाड़ी अब हमारे बीच 4-स्ट्रोक इंजन के साथ लॉन्च होगी और इसमें आपको सेम पावर एंड सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में आपको पहले वाला ही लुक देखने को मिलेगा, पहले जैसा ही इस गाड़ी में आपको फील मिलेगा एंड जो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस होगा वो भी आपको पहले वाला ही जैसा देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस गाड़ी में 100cc का इंजन मिलेगा या फिर 100cc से पावरफुल इंजन मिलेगा, लाइक 150-160cc इंजन इस गाड़ी में मिल सकता है। इस गाड़ी का फैन बेस इंडियन मार्केट में बहुत ही तगड़ा है, इसलिए कंपनी इस गाड़ी को जब भी लॉन्च करेगी सेम लुक एंड सेम पावर परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च करेगी, चाहे वो 100cc में करे, 125 में या फिर 150cc में करे। लेकिन दोस्तों, इस बात से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी इंडियन मार्केट में यमहा के पास 125cc सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है। 125cc में लगभग हर कंपनी के पास 125cc की गाड़ी है और 125cc सेगमेंट इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा तेजी के साथ ग्रोथ भी कर रहा है, इसलिए इस गाड़ी को ज्यादा चांस है कि कंपनी RX 100 को अब RX 125 में भी लॉन्च कर सकती है, क्योंकि 125cc सेगमेंट यमहा की हाथ से निकलते जा रहा है। खैर, ये तो अभी एक्सपर्ट का मानना है, लेकिन जो इंजन भी इस गाड़ी में मिलेगी, चाहे वो 100cc की हो, 125 की, 150 की, लेकिन पावर एंड परफॉर्मेंस का जो फील होगा वो RX 100 जैसा ही होगा। बाकी अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इस गाड़ी में आपको सेम फीचर्स देखने को मिलेगा जो RX 100 में आपको मिल रहा था। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में डुअल शॉक अब्जर्वर देखने को मिलेगा। इस गाड़ी के फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट, हैलोजन टेल लाइट एंड हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। सेमी डिजिटल इसमें आपको मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। बेसिकली इस गाड़ी को कंपनी ने इसलिए लॉन्च कर रहा है क्योंकि RX 100 को फिर से कंपनी इंडियन मार्केट में रिकॉल करना चाहती है। RX 100 का जो कस्टमर है वो बिल्कुल जेन्युइन कस्टमर है, और ये गाड़ी इंडियन मार्केट में किसी भी नाम से लॉन्च होती है तो वो डेफिनेटली इसको परचेज करेंगे। और RX 100 अपनी ज़माने की एक बहुत ही पावरफुल गाड़ी थी, जिस टाइम पे स्प्लेंडर का नाम भी नहीं था, अदर कंपनीज के गाड़ियों का नाम भी नहीं था, उस टाइम पे RX 100 हर इंडियन कस्टमर के दिलों में अपना जगह बना के बैठी थी अपनी पावर, परफॉर्मेंस एंड अपनी लुक की वजह से। इस गाड़ी के लॉन्चिंग के बारे में दोस्तों अभी कोई अपडेट नहीं है, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, जब ऑफिशियल न्यूज रिवील हुआ है तो ये गाड़ी बहुत जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, मैं आपको बीच में अपडेट करते रहूंगा। तो दोस्तों, ये तो बात कंफर्म हो गया कि अब RX 100 इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। इंजन के बारे में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि इसमें इंजन कौन सा मिलेगा, 125 मिलेगा, 150 मिलेगा या फिर 200 मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।